सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में फ्लो टेस्ट के लिए दिशा निर्देश मांगने वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर सुनवाई जारी रखी। पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। सुबह के सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अपनी प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट के आसपास की घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से अदालत में ले जाने के बाद उन्होंने भाजपा को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के पूर्ण विनाश के लिए दोषी ठहराया। फ्लो टेस्ट की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने लंच के बाद के सत्र में अपनी दलीलें फिर से शुरू की। शुरुआत में रोहतगी ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कोई राज्य काम नहीं कर रहा है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। उसने कहा, अगर गवर्नर एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर आता है कि कोई बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह फ्लो टेस्ट आयोजित करने की सलाह दे सकता है। रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को वर्तमान मामले में एक बहुत सीमित मुद्दे पर निर्णय लेना था, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के प्रस्ताव का प्रस्ताव करने से पहले राज्यपाल को जिन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इस बिंदु पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक चिंता जताई। उसने कहा, एक चिंता यह है कि हमारे पास यह है कि अध्यक्ष ने 16 विधायकों के लिए फैसला नहीं किया है। उनका कहना है कि 16 को बेंगलुरु ले जाया गया है, हम विधायकों को कार्यवाही में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन्हें ले जा सकते हैं अपना निर्णय, एक संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य। रोहतगी ने तर्क दिया कि ऐसे वीडियो हैं जो बताते हैं कि ये विधायक अपनी इच्छा से बेंगलुरु में हैं, उन्हें चित्रित किया जा रहा है जैसे कि उनका अपहरण कर लिया गया हो।